देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी आज मैं मौजूद हूँ अररिया जिला के फॉरबिसगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राजा अमारा में। आइए जानते हैं इसी पंचायत के महिला मुखिया अनीता कुमारी के प्रतिनिधि से इनका परिचय और इनके पंचायत की समस्या। महोदय, कानूनी जंग न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इससे अमारा के धरती ग्राम पंचायत राजा अमारा की धरती पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने सुदूर इलाके में आके आप न्यूज का कवर किया, इसलिए आपको लाख लाख बधाई देते हैं। महोदय, आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम प्रकाश चौधरी है, मैं पूर्व मुखिया हूँ। अभी वर्तमान मेरी धर्मपत्नी यहाँ की मुखिया है अनीता कुमारी। महोदय से जानने का प्रयास करेंगे इनके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अभी मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाढ़ का, बाढ़ आपदा का बहुत बड़ा समस्या है। बाढ़ से हम लोग का इलाका बहुत क्षतिग्रस्त होता है और मेन है कि अभी यातायात का साधन नहीं है। जैसे हमारा पंचायत में भलुआ गांव है, बागमाड़ा गांव है, खमकोल है, ये सब अभी भी हम लोग यातायात से वंचित है। बाढ़ से पूरा पीड़ित इलाका है हम लोग का। परवान नदी लेके हम लोग बहुत क्षति में रहते हैं, हर साल हम लोग क्षति का सामना करना पड़ता है। मुखिया जी, विशेषकर इस पंचायत की गरीब जनता को जो प्रधानमंत्री आवास सरकार की ओर से मिलता है, वो कितने प्रतिशत लोग आज भी वंचित हैं? अभी मतलब 75% लोग वंचित है, इसलिए कि जियो टैग होता है सरकार का टारगेट के अनुसार, जो मतलब हमको आज साल में एक साल में जो टारगेट मिलता है वो टारगेट से फुलफिल होता नहीं है, फिर जनसंख्या का परिवार का जो बढ़ते रहता है ऑटोमेटिक है कि इंदिरा आवास जो पूरा हो नहीं सकता है। महोदय, इस क्षेत्र की जनता के लिए शौचालय की क्या स्थिति परिस्थिति है और कितने प्रतिशत लोग आज भी वंचित हैं शौचालय के क्षेत्र में? अभी शौचालय में लगभग आपको 70% आदमी वंचित है, 25% ही आदमी होगा जो शौचालय का निर्माण हो, 75% आदमी अभी भी शौचालय से वंचित है। महोदय से जानने का प्रयास करेंगे यहाँ की गरीब जनता को वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन। देखिए, पहले वृद्धा पेंशन क्या था कि डायरेक्ट पंचायत के द्वारा बढ़ता था। क्या होगा, मेरा उम्र 55 बरस, 60 बरस, 70 बरस, अंगूठा के फिंगर के द्वारा होता है। जो बहुत आदमी अनपढ़ है, जो दस्तखत नहीं कर सकता है, उसका उम्र हो गया है, वो वृद्ध लोग पेंशन उठाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करता है। और गांव-गांव में स्पेस खुल गया है बैंक, किंतु होता है कि फिंगर काम नहीं करता है, उसका पैसा पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। किंतु पहले क्या था, पूर्व में वह गाँव में शिविर लगा के वृद्धा पेंशन दिया जाता था, लोग बहुत लोग लाभान्वित होता था पेंशन से। आज के डेट में उन्हें खाता के द्वारा होता है। खाता में क्या है कि लोगों बहुत आदमी ऐसा है वृद्धा पेंशन रहते हुए वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं ले सकता है, उसका फिंगर काम नहीं करता, आई काम नहीं करता, जिसके अंदर वृद्धा पेंशन अधूरा अधूरा रह गया। महोदय से जानने का प्रयास करेंगे इनके पंचायत में जो विधि व्यवस्था है राशन विक्रेता की, वो किस तरह से मिल रहा है सर? उचित मूल्य पे सही वजन के साथ मिल पा रहा है? नहीं, वो तो पॉस सिस्टम है उसका, तो जो सिस्टम है जनवितरण प्रणाली वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि उसका सिस्टम बदल गया है, सब सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया। पॉस के द्वारा उसका माल उठा होता है, पॉस के द्वारा वितरण करवाता है। यहाँ बराबर आपूर्ति पदाधिकारी मेन बाजार है, आते जाते रहते हैं सभी लोग पदाधिकारी, बराबर देखते हैं, चेक होते रहता है, विधिवत बांटता ही है सब। विशेषकर पंचायत को सुदृढ़ करने में सर शिक्षा और स्वास्थ्य की अहम भूमिका है। इस क्षेत्र में आपका पंचायत किस पायदान पे है, किस ऊंचाई पे है? नहीं, जब से हम बने हैं, हम तो पहले पूर्व में मुखिया थे, वर्तमान में अभी मुखिया पंडित के रूप में काज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शिक्षा का व्यवस्था सुधार हो। सरकार अभी फंडिंग भी किया है शिक्षा के लिए, स्कूल का मरम्मति के लिए, रिपेयरिंग के लिए, टोटल स्कूल को हमने रंग रोगन से उस करवा रहे हैं। बच्चों के जो पोशाक का राशि या जो भी आता है उसका विधि व्यवस्था, हमारे वार्ड सदस्य अध्यक्ष होते हैं स्कूल का, उसके निगरानी में स्कूल को हम कंट्रोल कर रहे हैं कि अच्छा से स्कूल का विधि व्यवस्था हो। वर्तमान में क्या है कि स्वास्थ्य विभाग सरकार नीतीश कुमार जी अभी यहाँ यात्रा कर रहे हैं समाधान यात्रा। अभी वर्तमान में हमारे पंचायत में हॉस्पिटल बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं, आज कितने वर्ष हो गए कोई उसको देखने वाला नहीं है, चरागाह बना हुआ है, कावड़ा का अड्डा बन गया, कोई देखने वाला नहीं है। और न उप स्वास्थ्य केंद्र में आज तक कोई NM बैठा, न कोई डॉक्टर आया, किंतु आज उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग बना हुआ जर्जर स्थिति में हो गया, ठेकेदार बना के चला गया, जर्जर स्थिति में बनाया कि आज उस पार जब समाधान यात्रा निकालता है तो उस पंचायत में देखे कि क्या क्या समस्या का समाधान है, उसको क्या करना है। वहाँ के पदाधिकारी को उस चीज़ को अवगत कराना चाहिए, उस विभाग को, कि वहाँ के जनता से आबरू करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। क्या कि मुखमुख पंचायत मुखमुख जगह में जाके समस्या का समाधान करना, प्रशासन लगा के उसके समस्या को समाधान करवाना, ये साधारण बात है। जैसे अभी आ रहे हैं 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी,
उसमें क्या है कि कुछ पंचायत को सिलेक्ट कर लिए पदाधिकारी के द्वारा, उस पंचायत में जाके सिर्फ उसके समाधान करना, इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। जनरल मास में टोटल बिहार अररिया जिला के पंचायतों को जाकर समस्या का समाधान करना चाहिए, उसके ऊपर देखना चाहिए कहाँ स्वास्थ्य विभाग चल रहा है, कहाँ नल जल चल रहा है, कहाँ शिक्षा विभाग चल रहा है, इस पर समस्या का समाधान होना अति आवश्यक है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप जहाँ भी समस्या का समाधान करिए, क्योंकि हर जिला में सभी, जैसे आज मान लीजिए मुख्य पंचायत को आप सिलेक्ट करते हैं कि वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे समाधान करेंगे, इससे अच्छा होगा कि पूरे पदाधिकारी को टोली बनाकर पूरे जितने पंचायत है अररिया जिला में सभी में घूम घूम कर सभी का समस्या का समाधान कराना चाहिए, क्या चीज का आवश्यकता है उसका पूर्ति करवाने का काम करना चाहिए पदाधिकारियों। महोदय, इसी कड़ी में जाने का प्रयास करेंगे हम। सब जीवित प्राणी का अंतिम स्टेज होता है शमशान या कब्रिस्तान, तो शमशान की घेराबंदी पे आपकी क्या विचार बन रही है महोदय? नहीं, शमशान का घेराबंदी होना चाहिए, उसमें मट्टी सरकार मनरेगा के द्वारा पूर्व में उसको मट्टी का कार्यक्रम किया था, इस बार तो बंद कर दिया कैरिंग का, क्योंकि मट्टी को मतलब क्या है कि लेबर से कटवा के मट्टी डालना है, क्योंकि कब्रिस्तान में तो हो नहीं सकता है। उसमें सरकार को चाहिए कि कैरिंग के द्वारा मट्टी भराई करके कब्रिस्तान को, श्मशान को मट्टी भराई करवाना चाहिए, सरकार से ही हम मांग करते हैं कैरिंग का व्यवस्था करके सरकार उसमें कब्रिस्तान को, श्मशान को मट्टी भराई करे और उसका घेराबंदी का योजना सरकार पंचायत को दे, पंचायत अपने स्तर से कराएंगे। सवदागिरी निर्माण पे आपकी क्या सोच बन रही है मुखिया जी? अभी हम लोग का सवदागिरी का हम लोग 15वीं वित्त में हम लोग उसका योजना लिए हुए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पंचायत में सवदागिरी का निर्माण कराने का कोशिश जरूर करेंगे, भरसक प्रयास बन जाएगा तो कराएंगे। महोदय, अंततः हम सबकी जिंदगी में राष्ट्रीय पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस आने वाला है, इस अवसर पे अपने उन पंचायत वासियों को जिन्होंने आपको सम्मानित पद पे लाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर से मैं सभी जितने भी मेरे मतदाता गण, मैं सभी को हार्दिक बधाई हार्दिक शुभकामना देते हैं, और हमारा पंचायत अमन चैन शांतिपूर्ण व्यवस्था से गुजरे, यही हमारा उम्मीद यही आशा है। धन्यवाद। अभी आप रूबरू हुए जिला अररिया प्रखंड फॉरबिसगंज के ग्राम पंचायत अमहारा के वर्तमान मुखिया अनीता कुमारी के।